वैसे कोरोना के लौटने की आशंका तो है, मगर यह भी सच है कि हम इसे हरा सकते हैं। बस जरूरी है कि सावधानी बरती जाए, मगर कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर डॉक्टर क्या कहते हैं ये जानना भी बेहद जरूरी है। अब की बार चीन को जिस वायरस ने गिरफ्त में लिया है वो कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF.7 है। हिंदुस्तान में नए वेरिएंट के फिलहाल 4 मामले हैं, लेकिन जानकार बताते हैं कि ये पहले के वेरिएंट के तुलना में काफी तेजी से फैलता है, लिहाजा बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। ये ज्यादा जल्दी फैलता है, कि ये ज्यादा इन्फेक्शियस है, इसलिए ज्यादा लोगों को ये इन्फेक्ट, एक व्यक्ति ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करता है। दूसरा, इस वेरिएंट में कुछ हद तक इम्यून एस्केप मैकेनिज्म भी है, जिससे जिन लोगों को पहले वैक्सीन लग चुकी है या पहले कोविड हो चुका है उनमें भी फिर से इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन हमने ये देखा है कि हमारे देश में जिन लोगों ने, जिनको पहले से इन्फेक्शन हो चुका है या जिन लोगों ने वैक्सीन लगा चुके हैं उनमें ये जो वेरियंट है ये सीरियस इलनेस नहीं कर रहा, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ा रहा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक खतरनाक चीनी वेरिएंट BF.7 सितंबर महीने में ही भारत आ गया था। वडोदरा में एक NRI महिला में इसके लक्षण मिले थे, वो अमेरिका से वडोदरा आई थी। उसके कांटेक्ट में आए 2 लोगों की भी जांच हुई थी, हालांकि उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी, बाद में महिला ठीक हो गई थी। इसके अलावा BF.7 के 2 अन्य केस अहमदाबाद और ओडिशा में भी मिले थे, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये जानलेवा वायरस कब हिंदुस्तान को परेशान कर दे। जो भी रिपोर्ट्स आए हैं सारे ओमिक्रॉन के जो वेरिएंट हैं उसी में आए हैं, उसमें से किसी पेशेंट को मौत नहीं हुई है, कोई धोखा नहीं हुआ। तो अभी सिर्फ सतर्क रहना है, और अगर लोगों से क्या कहना है आप पूछेंगे तो अभी उन्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर वैक्सीन रह गया है तो ले लीजिए, और अगर आपको कोविड जैसे कोई सिम्टम्स लगे तो कोविड सेंटर पर जाके टेस्टिंग करिए। इसी के तहत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, साबुन से हाथ की नियमित सफाई करें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें, विदेश यात्रा से बचें, बुखार, गले में खराश, खांसी, दस्त पर डॉक्टर से संपर्क करें, कोविड टीका लगवाएं और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। मुंबई में कोरोना टास्क फोर्स का हिस्सा रह चुके डॉक्टर गौतम भंसाली को भरोसा है कि सतर्क रहेंगे तो कोरोना की नई चुनौती का मुकाबला किया जा सकता है। मुझे नहीं लगता BF.7 वेरिएंट हमारी कंट्री के लिए कोई नुकसान करेगा। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे यहाँ के जो 2 वैक्सीन है, मेक इन इंडिया वैक्सीन, 1 इज कोवैक्सीन और दूसरा जो कोविशील्ड है, वो हर तरह के वेरिएंट, जितने भी अभी तक वेरिएंट आए सबके अगेंस्ट में बहुत ही अच्छे ढंग से काम किए, तो मुझे नहीं लगता। दूसरा, इसके अलावा हमारी 95 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन को डबल डोज वैक्सीन लग चुका है, मोर देन 23 करोड़ पब्लिक को बूस्टर डोज भी लग चुका है। हम लोगों से ये अपील करें अधिक से अधिक संख्या में बूस्टर डोज भी लगाएं, सो देट किसी भी तरह का वेरिएंट आए हमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। डरने के बजाय सावधान रहने से ही खुद को और देश को चीन जैसे हालात से बचाया जा सकता है, इसलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। मुंबई में मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।